जब मैं ये ट्रेलर देख रहा था, इसमें एक भी मूवमेंट ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर मुझे हंसी आई हो। इसको देखते वक्त मैं बिल्कुल सहम था, बट जैसे ये ट्रेलर खत्म हुआ मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वाले ही कर सकते हैं, जैसे कि कोई मूवी इन्होंने बना दी और उस मूवी को देखते वक्त यार सच में हमें रोना आ जाता है, यार क्या बना के रख दी हो वे। और फिर उसके बाद जैसे मूवी खत्म होती है और उसके बाद हमें हंसी आती है उनके मेकर्स पर, इनके मतलब ये क्या कचरा बना के, मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा जादू सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों के पास है, इस टैलेंट का तो यार सलाम है। और बेचारों के पास शायद दिमाग तो है नहीं, क्योंकि यार इनका दिमाग तो तुम्हें पता है कि कहां चला गया, समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये बेचारे कुछ नया तो बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि पहले साउथ वालों की कॉपी किया करते थे, साउथ की जो मूवीज होती थी उनको अपनी मतलब कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके चेप दिया करते थे। तो अब सोच रहे हैं यार खुद वाली जो मूवी है उनको ही क्यों ना कॉपी कर ले, वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वाला धंधा इन्होंने यहाँ पे फिर से चलाया है। हम लोगों को यूट्यूब पर बहुत ज्यादा क्रिंज कंटेंट देखने को मिल जाता है, हम अक्सर देखते भी रहते हैं वो वाला क्रिंज कंटेंट, और बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है उस चीज को देखकर। कुछ ऐसा ही हाल इसके इस मूवी के ट्रेलर के साथ है, इतना चीप और इतना ज्यादा क्रिंज कंटेंट से भरा हुआ है ये, जो इसके अंदर डायलॉग लिखे गए हैं मतलब कि माँ का घोंसला, बहन का घोंसला, उस पे किसको हंसी आती, क्या सोचकर तुम वो वाहियात घटिया डायलॉग लिख रहे हो यार। अरे इससे बेटर तो किसी यूट्यूबर को पकड़ लो, वो अच्छे से अच्छे डायलॉग लिख के दे देगा। अरे यार अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो एक काम करो ना, तुम किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देखो, उससे कोई जोक तो है वो वहां से कॉपी कर लो। वैसे तुमने इस चीज में तो PhD कर रखी है कॉपी पेस्ट करने में। और वरुण धवन ने क्या एक्टिंग किया है, बसरते उसे एक्टिंग कहते हो। सीरियसली यार जो एक्ट वहां पे किया जा रहा था वो हंसाने के लिए किया जा रहा था, और 1% भी हंसी नहीं आई। सच में ये मूवी कॉमेडी के लिए बनाई जा रही है। मैं तो यार यही कहूंगा यार देखो यार अब सस्ता नशा लेना छोड़ दो, और ऐसे घटिया डायलॉग, ऐसे क्रिंज कंटेंट, तुम ये माँ का घोंसला, ATM, अंबानी, ट्रंप, मोदी, ऐसे ऐसे तुम डायलॉग लगते हो उस अपनी मूवी के अंदर जिसे तुम्हें ये लगता है कि लोग इसको सुनकर हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये लोग जो है वो तुम्हें मन ही मन गालियां जरूर देंगे। प्रेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, जावेद राफरी, ये जो कमाल के जो एक्टर हैं इनको इस मूवी में देखकर जो ये काम कर रहे थे सच में यार बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मतलब इस जैसी नॉनसेंस मूवी में इतने जबरदस्त कलाकार जब काम करते हैं अंदर से बुरा फील होता है कि यार इनको क्या जरूरत थी ऐसी ऐसी मूवीज में काम करने की। देखो मैं कभी कहता नहीं हूं कि कोई मूवी का ट्रेलर आप देखो और उससे उसके ऊपर ये डिसाइड करो कि वो मूवी जो है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। बट इस वाली मूवी के ट्रेलर के ऊपर मैं ये जरूर कह सकता हूं यार इतना चीप और क्रिंज कंटेंट से भरा हुआ है जिसको देखकर मतलब बाद में हंसी आ रही है उसके मेकर्स पर, यार तुमने क्या बना के रख दिया। सोचो यार इसकी मूवी जब ये मूवी आएगी तो क्या बवाल होगी, बवाल मतलब कि इन द सेंस मतलब कितना घटिया कंटेंट, कितना घटिया इसके अंदर क्रिंज कंटेंट दिखाया जा रहा है। सोचकर ही मतलब डर सा लग रहा है कि यार इसको भी झेलना है 25 दिसंबर को। देखो जब भी कोई ट्रेलर आता है तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है ताकि ऑडियंस का उसके ऊपर ध्यान जाए, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बने और उस मूवी को वो देखने पहुंचे। तो एक ट्रेलर के अंदर इस मूवी के बेस्ट सीन की छोटी मोटी झलक दी जाती है, और जो इसके अंदर जो झलक दिखाई गई है यार उससे तो अंदाजा यही लगता है कि यार भाई साहब ये क्या बोलो यार, मतलब शब्द खत्म हो गए मुझे इस मूवी के तारीफ करने के लिए। और जो इसके अंदर जो गाने दिखाए गए मैं तो यही कहूंगा यार तुम कहीं तो रुक जाते, किसी चीज को तो बख्श देते यार। एक कोई इंसान अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे काम को बिगाड़ कैसे देता है यार, ये वाली मूवी देखकर आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। और इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज किया गया Amazon प्राइम वीडियो के चैनल पर, जहां पर ऑलरेडी इसके लाइक डिसलाइक को बंद कर दिया गया। ऑब्वियसली तुम्हें पता है वो क्यों बंद किया गया, क्योंकि यार ये नहीं चाहते कि ये एक और वीडियो डिसलाइक के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दे। और बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इन्होंने कमेंट क्यों ओपन कर रखे हैं यार, वहां कौन सा तुम्हें प्रसाद मिल रहा है। ऑब्वियसली तुम वहां जाकर देखोगे तो तुम्हें, अगर तुमने वो जो कमेंट है वहां पढ़ भी लिए तो कानों से खून आ जाएंगे तुम्हारे। तो अपने आप को मनाने के लिए मैंने अंदर ही अंदर अपने आप को झूठी तसल्ली देनी शुरू कर दी, नहीं अजय यार अच्छी मूवी होगी, अच्छी मूवी आएगी, अच्छा काम होगा इसके अंदर, मतलब अपने आप को मनाने की कोशिश करूं क्योंकि 25 दिसंबर यार मेरे लिए बहुत भारी होने वाला है। तो यार कैसे झेल नहीं जाएगी यार ये मूवी, मैं तो सोच रहा हूं यार छोड़ दूं यार। चलो देखते हैं यार आने वाला टाइम बताएगा। बस आज के लिए इतना ही था यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।